this is Priyasha das from Craigsad and one last video for the zad 2023 season and this one is just a small set of tip for all my lovely people out there who are going to give their examination something you need to keep in mind before the exam during the exam and one thing after the exam also okay so i'll keep it short and quick uh, the very first thing which i would suggest all of you for the people who are watching it on the 7th of january one day before the examination टुडे यूर नॉट सपोज टू डू एनी थिंग एक्सेप्ट फॉर दी क्वांट फार्मूलाज यस आई कैन ओनली आस्क यू टू डू दी क्वांट फार्मूलाज बट उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन जो ना स्ट्रॉग सेक्शन ना वीक सेक्शन कुछ नहीं कुछ भी नहीं करना है आपको बिकॉज रिमेंबर एम बी ए इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ योर मेमरी इट्स अ टेस्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स तो जो आपने समझ लिया कर लिया बस आपको वो वहाँ पर अच्छे से एग्जीक्यूट करना है सो यू हैव टू स्टे एज नॉर्मल एंड काम एज यू कैन सो ये पॉइंट नंबर वन है जो आपको याद रखना है दैट यू हैव टू ओनली डू

लेट इन द मॉर्निंग ऑल्सो तो अगर आप लेट नाइट तक जाग रहे हो पढ़ने के लिए तो आज भी अगर जब तक नींद ना आए तब तक आप आराम से you know scroll through and do whatever you want to do the reason i am saying this is it's not easy to sleep early maine khud exam diya hai main janti hu the level of anxiety

इन द रेडियस ऑफ लाइक वन वन किलोमीटर के रेडियस में आपको ट्रैफिक जाम जरूर मिल जाएगा बिकॉज मल्टीपल पीपल विल बी कमिंग टू द सेम सेंटर सो मेक श्योर यू अराइव अर्ली ओके एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विथ विच आई शुड हैव स्टार्टेड द वीडियो इज दैट दिस एग्जामिनेशन इज़ नॉट थ्री एंड अ हाफ आवर्स लॉन्ग बट लिटरली इट विल टेक यू अर फाइव आवर्स एंगेजमेंट येस इमेजिन यू वुड बी गेटिंग और रीचिंग दिस सेंटर बाय वन पी एम एंड उसके बाद हो सकता है कि थर्टी मिनट्स के अंदर आप अंदर भी चले जाओ सो यू वुड बी सिटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम

देन यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग फॉर दैट एंड फॉर दैट आई वुड सजेस्ट यू की आप एक हैवी ब्रेकफास्ट और एक लाइट लंच करके जाओ लंच शुड बी डन अवे बाय ट्वेल्व ओनली ओके लंच उसके बाद खाना मत खाइएगा जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट योर फूड बाई ट एंड रिमेंबर डोंट इवन थिंक ऑफ स्कीपिंग द लंच ओके द रीजन आई एम सेंग दिस इज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस इन वन ऑफ माई विडियोज अर्ली ऑर बिफोर द कैट एग्जामिनेशन दैट आपकी एमटी स्टमक से कुछ एंजाइम्स निकलते हैं जिससे कॉन्ट्रैक्शन होता है बोथ इन योर बॉडी एंड इन योर ब्रेन एंड जिस वजह से आप का कॉन्सेंट्रेशन हंड्रेड परसेंट नहीं रह पाएगा क्वेश्चन पे सो ट्राई टू अवॉइड दैट एंड कीप योर स्टमक फुल Now, one more thing which I want to suggest to you all is this was a general question being asked by the folks that can we carry our belongings and mobiles phones and that will there be a storeroom outside? See some centers there are, some centers there are not. So you cannot, you know, really be sure of this thing. agar aapke cat wale center pada hai that maybe and there was a storeroom, you can go and definitely keep your belongings there. But I would suggest that it's better to keep all the things, you know, at home, like mobile phone and all that and come. There will be no calculator and no watches allowed inside watches in the sense even the analog watches will not be allowed inside so don't carry any watches with you okay and one more thing which is very very essential which is that is about mouse testing they have given 5 minutes for keyboard testing but not for mouse testing ke likha hai. so remember that once the uh, instructions are on your screen start testing your mouse and the things which you need to test is the scroll button I mean the scroll roller okay? ओके स्क्रोल एंड सी इफ इट्स वर्किंग और नॉट सी इफ द क्लिक्स आर वर्किंग और नॉट क्योंकि बहुत सारे ऐसे माउसेज होते हैं जिनकी एक क्लिक में आंसर क्लिक नहीं होता है यू हैव टू स्पेंड फाइव फाइव सेकेंड एक्स्ट्रा ऑन एवरी क्वेश्चन विच विल काउंट लेटर ओके सो बेटर नॉट टू कॉम्प्रोमाइज इन दिस सिचुएशन इन द वेरी बिगनिंग बिफोर स्टार्टिंग द एग्जामिनेशन वायल रीडिंग द इंस्ट्रक्शंस इफ यू फील ऑर बिलीव दैट यू आर गेटिंग प्रॉब्लम इन द माउस गेट इट रिप्लेस्ड राइट देन ओके टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ फ्यूचर हसल next thing which you need to keep in mind is avoid any kind of interactions with the people close to you okay there are some amount of people who are like constantly apne mark liya hai? Aapka attempt while a person hota hai. especially when you are early to the you know uh, center or if you are like waiting for a long time or similar things on that so in that circumstances make faces or give them such कन्वर्जेशन टॉपिंग आंसर्स जिससे वो समझ जाए कि ये इंटरेस्टेड नहीं है ओके बिकॉज सी दैट विल लीड टू अ डिफरेंट डरेक्शन एंड आई वुड सजेस्ट कि आप चुपचाप बैठ कर सिर्फ एग्जाम के बारे में और अपनी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में सोचिए कि अगर ये सेक्शन ईजी आया तो मैं कैसे जंप करूंगा ये सेक्शन हार्ड आया तो मैं कैसे अवॉइड करूंगा थिंग्स लाइक दैट रादर देन टॉकिंग टू सम वन यू आर नॉट गोइंग टू मीट इवन आउटसाइड ओके सो इट्स बेटर टू अवॉइड दोज काइंड ऑफ पीपल And the last thing which I would like to conclude my video with is after watching, uh, after giving the examination avoid watching any analysis or any such discussions before the response sheet is out you should only refer to the things once the response sheet is out Use people who are predicting percentiles or people who are predicting scores and cutoffs please don't go by them they are just doing it to address more number of people that's all okay so please keep it in mind to avoid these huff once the exam is ho hoga it's done now you're not going to change that सो इट्स बेटर टू वेट फॉर द रिस्पॉन्स शीट एंड देन डिस्कस ओवर इट कि क्या गया कैसा गया एंड थिंग्स लाइक दैट सो दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो का इज अ विश यू ऑल द वेरी 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 बेस्ट आप लोगों ने पूरे महीने तो एटलीस्ट बहुत मेहनत की है वो तो मैं देख ही रही हूँ वीडियोज एंड वर्कशॉप्स के थ्रू सो प्लीज मेनटेन दैट कीप योर काम एंड गिव द एग्जाम लाइक अ मॉक दिस इज नॉट द फुल एंड फाइनल थिंग ऑफ योर लाइफ दिस इज नॉट गोइंग टू डिसाइड थिंग्स इन योर लाइफ सो कीप दैट इन माइंड And give the exam like a mom all the best, all over again, and take care of yourself. Thank you so much.